ओके तो भाई मेरे पास थे 5,000 रुपए और मैं जा रहा था एक गेमिंग कैबिनेट बाय करने, लेकिन मेरे खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया, क्या भाई जितने रुपए में हम एक सिर्फ कैबिनेट लेने जा रहे हैं इतने रुपए में हम लोग क्या एक पूरा का पूरा गेमिंग पीसी बिल्ड कर सकते हैं जिसमें हम लोग GT5 चला पाए। तो भाई बस ये आइडिया आया मेरे दिमाग में और मैं चल पड़ा भाई इस मिशन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मात्र 5,000 रुपए में गेमिंग पीसी बिल्ड करने वाले हैं। भाई जैसे ही मेरे दिमाग में ये आइडिया आया मैं चला गया अमेजन पर और सर्च करने लगा सबसे सस्ता प्रोसेसर कौन सा है अभी के टाइम पर, और सबसे सस्ता प्रोसेसर 7,000 रुपए का था और हमारा टोटल बजट 5,000 रुपए था। तो अगर भाई हमें 5,000 रुपए का एक गेमिंग पीसी बनाना है आज की डेट में तो हमें टाइम में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़े पहले के प्रोसेसर को हमको चूज करना पड़ेगा और यूज्ड मार्केट में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि नए में तो भाई मैंने बताई दिया आपको जो भी हो रहा था। तो अमेज़न पर बेस्टी कराने के बाद मैं चला गया भाई मेरी फेवरेट जगह जो कि है OLX, एंड OLX पर मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की एंड थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद भाई मुझे एक कमाल की डील मिल गई। एक सेलर वहां पर सेल कर रहा था मात्र 2,000 रुपए में हमें G41 चिपसेट वाला मदरबोर्ड, 8GB रैम और एक कोर 2 क्वाड प्रोसेसर मिल रहा था और उसका CPU कूलर भी मिल रहा था, मतलब टोटल हमें एक कॉम्बो मिल रहा था कोर 2 क्वाड प्रोसेसर के साथ में। अब ये जो प्रोसेसर था ये क्वाड कोर प्रोसेसर था एंड हमें मात्र 2,000 रुपए में इसका पूरा कॉम्बो मिल रहा था। ये अच्छा तो था लेकिन हमने इसको लिया नहीं, उसका रीजन भी बता देता हूँ मैं। अगर हम लोग GT5 की मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक करते हैं तो वहां पर ये प्रोसेसर लिस्टेड है, मतलब ये मिनिमम है GT5 को चलाने के लिए। तो GT5 चला तो देगा लेकिन हम लोगों को भाई गेमिंग पीसी बना रहे हैं और GT5 जैसी गेम जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है उसको भी अगर ये मिनिमम सेटिंग पर चलाएगा लो सेटिंग पर चलाएगा तो भाई क्या ही फायदा है। और अगर हमने गलती से सेटिंग को मीडियम कर दिया तो हो सकता है ये CPU बॉटलनेक करे और जल्दी ख़राब भी हो जाए, हीट वगैरह ज़्यादा करे, तो हम लोगों को वो चीज़ नहीं चाहिए थी। तो एटलीस्ट हमको एक रेकमेंडेड रिक्वायरमेंट और मिनिमम रिक्वायरमेंट के बीच का एक प्रोसेसर चूज़ करना था तो हमने इसको बाय करने का आइडिया क्विट कर लिया और फिर से लग गए रिसर्च में OLX पर। एंड फाइनली मैंने डिसाइड किया एक i3 सेकंड जनरेशन प्रोसेसर बाय करने का। हालांकि ये प्रोसेसर हम लोगों ने OLX से बाय नहीं किया, ये मैं ऑफलाइन मार्केट से बाय करके लाया था जिसको 400 रुपए में हम लोगों ने खरीदा है एंड इसमें हमको 1 ईयर की वारंटी भी मिल गई। सील पैक था, रिफर्बिश्ड प्रोसेसर था लेकिन हाँ सील पैक था एंड हमको 1 ईयर वारंटी मिल रही थी तो मैं ऑफलाइन मार्केट से इसको बाय कर लाया क्योंकि OLX पर भी लगभग इतने का ही मिल जाता है। इसका जो मदरबोर्ड था वो हमने OLX पे बाय किया एंड हमने उसी सेलर से बाय किया है जो कि कोर टू क्वाड का कॉम्बो सेल कर रहा था एंड 900 रुपए में हमें GB का H61 मदरबोर्ड मिल गया जो कि इस प्रोसेसर को सपोर्ट करता है एंड 900 रुपीज़ भाई ये काफ़ी सही डील थी। हमको GB का मदरबोर्ड मिल गया, H61 मिल गया और ये हमारा प्रोसेसर चल जाएगा, ये काफ़ी बढ़िया बात है। वैसे मदरबोर्ड 800 रुपए का था, 100 रुपए डिलीवरी चार्ज लग गया क्योंकि भाई वो बंदा मुंबई से था। तो टोटल हमें 900 रुपीज़ में ये मदरबोर्ड मिल गया एंड 400 रुपए में हमको प्रोसेसर मिल गया, टोटल हमारा 1,300 रुपए लग गया। एंड रैम और CPU कूलर भी भाई मैंने इसी सेलर से बाय कर लिया जो कि मुझे 700 रुपीज़ में टोटल मिल गया, 600 रुपए में रैम मिल गई, 8GB DDR3 एंड 100 रुपए में हमको CPU कूलर मिल गया। एयर कूलर भी मिलेगा भाई, लिक्विड कूलर तो नहीं मिलेगा। तो टोटल 2,000 रुपए में हमें i3 सेकंड जनरेशन का कॉम्बो रेडी मिल गया एंड ये जो i3 सेकंड जनरेशन का प्रोसेसर है ये 2 कोर का प्रोसेसर, लेकिन जो कोर टू क्वाड था भाई जो कि 4 कोर का प्रोसेसर था ये i3 उससे बेटर परफॉर्म करता है एंड हमारा GT5 मीडियम टू हाई सेटिंग्स के मिक्सचर पर चला देगा इजीली। तो i3 सेकंड जनरेशन बेटर है क्योंकि भाई आफ्टर ऑल गेम कोर्स तो देखेगा नहीं, हमारी परफॉर्मेंस देखेगा और परफॉर्मेंस i3 सेकंड जनरेशन की बेटर है। तो काफी सही प्राइसिंग में हमें ये मिल गया। अब हमारा 2,000 रुपए टोटल खर्चा हो चुका है। अब बात करते हैं भाई ग्राफिक्स कार्ड की, ग्राफिक्स कार्ड हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, भाई 5,000 के बजट में कौन सा ग्राफिक्स कार्ड आएगा। तो भाई एक ही ग्राफिक्स कार्ड आ सकता है इस बजट में जो कि GT5 भी चला सकता है और इस बजट में भी आ सकता है, वो है 750 Ti। हालांकि 1050 Ti भी एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या भाई, 5,000 रुपए का भी मिल रहा है वो, तो 1050 Ti नहीं लगा सकते क्योंकि 4,000 से 5,000 का यूज्ड मार्केट में वो ग्राफिक्स कार्ड ही है। तो हमारा बजट भाई 5,000 है फिर समझो भाई, तो हम लोग 750 Ti यहाँ पर लगाने वाले हैं और ये ग्राफिक्स कार्ड भाई हमें बहुत ही सही प्राइसिंग में मिल जाता है। ये 2GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड जो कि GT5 को मीडियम हाई वेरी हाई पर भी कुछ केसेस में चला देता है, बट फिलहाल हम लोग मीडियम टू हाई पर फोकस कर रहे हैं और हमारा ये चला देगा काम। बात करें प्राइसिंग की तो ये काफ़ी सस्ता हमको मिल जाता है, लगभग आपको 1500, 1600, 1700 ऐसे रुपए में मिल जाता है। मुझे ये 1600 रुपए में मेरे ही लोकल एरिया में यूज मार्केट में मिल गया तो ये काफ़ी सही डील रही मेरे लिए भाई, मुझे तो आसानी से मिल गया लेकिन आज की डेट में इसको ढूंढना काफ़ी कठिन है। आपको हो सकता है जल्दी ना मिले लेकिन थोड़ा सा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा भाई, कहीं ना कहीं तो किसी के पास रखा होगा और काफ़ी सस्ते में दे देगा क्योंकि 2GB रैम वाला कार्ड है, लेकिन हमारे लिए तो भाई GT5 चला सकता है तो क्या ही चाहिए। तो इसके साथ हमारा टोटल खर्चा होता है 3,600 रुपीज़। अब बात करते हैं भाई स्टोरेज, हम किस में भाई गेम्स को रखने वाले हैं। तो पहले तो मैंने प्लान किया था भाई SSD बाय करने का, लेकिन मैं मार्केट में
गया, वहाँ पर यूज्ड में तो SSD कोई मिली नहीं, और एक न्यू SSD मैंने देखी तो 900 रुपये में 128 GB मिल रही थी। अब ये डील तो सही है, हमारा OS तो चला देगा, लेकिन गेम्स भाई किस में रखेंगे। GTA 5 आज की डेट में 105 GB डेटा ले लेता है और 65 GB का भाई उसका सेटअप है, कहाँ रखेंगे भाई इतना सारा कुछ। तो SSD का आइडिया हमको खुद करना पड़ा, क्योंकि यूज्ड में SSD मिलती नहीं है आज की डेट में, हार्ड ड्राइव्स ही ओनली आपको यूज में मिलती हैं। तो मैंने थोड़ा सा ढूंढा मार्केट में एंड हम लोगों को एक हार्ड ड्राइव मिल गई जो कि 500 GB की हार्ड ड्राइव थी एंड मात्र 700 रुपये में हम लोगों को मिल गई। एक जियोनिक्स ब्रांड की तरफ से थी, न्यू हार्ड ड्राइव थी, बट हाँ ये ब्रांड रिफर्बिश हार्ड ड्राइव बेचता है भाई, जियोनिक्स ब्रांड की मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। इसमें हमको 2 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, तो और क्या चाहिए भाई, खराब हो गई सर्विस सेंटर पर पटक दो, एक हफ्ते में भाई मिल जाती है वापस, तो और क्या चाहिए था। तो 700 रुपये में हमारे लिए डील ठीक थी एंड 500 GB भाई हमारा 1, 2, 3 तो गेम आ ही जाएंगे भाई। हालांकि थोड़ा स्लो एक्सपीरियंस रहेगा, बट ठीक है भाई, एक इतने बजट में बना रहे तो हार्ड ड्राइव ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। अब भाई ऑलमोस्ट हमारा PC कंप्लीट ही हो चुका है, बस बचता है हमारे पास कैबिनेट एंड पावर सप्लाई, जो कि आप सेकेंड हैंड मार्केट में इजीली ले सकते हैं। एक सेकेंड हैंड ही लेना भाई, न्यू मैं आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि न्यू पावर सप्लाई आपको 550-600 रुपये में मिलती है और वो बहुत ही बेकार होती है भाई क्वालिटी में, तो वो आपको नहीं लेनी है, आपको एक सेकेंड हैंड लेनी है पुराने टाइम की, क्योंकि पहले की जो पावर सप्लाईज होती थी काफ़ी अच्छी बनाते थे भाई, ब्रांडेड पावर सप्लाईज होती थी एंड कैबिनेट भी आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। तो 700 रुपये में भाई मुझे एक कैबिनेट मिल गया, जिसके साथ में हमारा 5000 रुपये का बजट भाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। 700 रुपये में पावर सप्लाई भी मिली थी एंड कैबिनेट भी मिला था एंड HCL ब्रांड का भाई पावर सप्लाई एंड कैबिनेट मिला था। लेकिन पावर सप्लाई आपको एक बार चेक जरूर कर लेनी भाई, कहीं जनरेटर जैसी आवाज़ तो नहीं आ रही या फिर धुआं वगैरह तो नहीं निकल रहा है उसमें। और सबसे मेन चीज़, एटलीस्ट पावर सप्लाई आपकी 400 वाट होनी चाहिए, इससे कम है तो भाई गड़बड़ है। अगर 400 वाट से कम होगी तो भाई PC का लोड नहीं झेल पाएगी और आपका PC, तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना। एंड इसी के साथ भाई हमारा 5000 का गेमिंग PC कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग भाई इसको सीधे लगा दो, घर के TV में लगा दो अगर मॉनिटर नहीं है तो, और अगर घर वाले भगा दें तो भाई 1000 रुपये और डालो, एक मॉनिटर और ले लो। 1000 रुपये में आपको बढ़िया सेकंड हैंड मॉनिटर मिल जाएंगे, नहीं ये वाला नहीं मिलेगा भाई, इतना बड़ा तो नहीं मिलेगा, छोटा सा मॉनिटर जो आते हैं 15-16-17 इंच के, वो आपको इजीली मिल जाएंगे। एंड एक बात और ध्यान रखना, ये वाले मॉनिटर में तो ठहलाना नहीं, तो जितने पैसे बचाए नहीं है उतने तो बिजली में उड़ा देगा, और GTA 5 देखने के लिए आपकी आंखें तरस जाएंगी, लेकिन ऐसे ग्राफिक्स मिलेंगे आपको कि GTA San Andreas खेल रहे हो आप लोग, तो ये मॉनिटर मत लेना, LCD मॉनिटर लेना, 1000 रुपये में आपको बढ़िया मॉनिटर मिल जाएगा। ओके, तो इसी के साथ PC बिल्ड हमारा खत्म होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई मैं रियल लाइफ में भी इस PC को बिल्ड करूं एंड टेस्ट करूं, तो आने वाला भाई पार्ट्स मैंने कुछ मंगाए हैं, कुछ पार्ट्स अभी आए नहीं है, तो जैसे ही पार्ट्स आ जाते हैं मैं फुल वीडियो बना दूंगा जिसमें हम लोग इस PC की टेस्टिंग करेंगे। फिलहाल जिन लोगों को मेरे ऊपर भरोसा है वो ये सैंपल देख लो भाई, इस तरह का परफॉर्मेंस कुछ मिलने वाला है गेम के अंदर। तो चलो भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, आप सैंपल देखो।